morning, students. Now the class, according to last class, we have read about the introduction of nervous system. तो nervous system क्या है ये हमने आपको बताया, जिसमें कि आज की क्लास में we will discuss about the central nervous system. मैंने आपको बताया था नर्वस सिस्टम जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में हम स्टडी करते हैं. दिस इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज इन द पेरिफ्रीज. जो पेरिफ्रीज में नर्वस सिस्टम चल रहा है, यानी जो नर्व्स चल रही हैं, दे आर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फिर ऑटोनॉमिक और सोमेटिक दो तरह से होता है. और सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. तो आज हम ब्रेन स्टार्ट करते हैं. नाउ वी विल स्टार्ट अबाउट ब्रेन. ब्रेन क्या है? ब्रेन में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था. ब्रेन में हम क्या क्या पढ़ते हैं? यस, सेरिब्रम. सेरिब्रम जो है वो सबसे बड़ा पार्ट है ब्रेन का. सबसे बड़ा पार्ट जो आपको ब्रेन में दिखाई देता है, दैट ऑल इज सेरिब्रम. देन सेरिबेलम, इसे फोर ब्रेन और इसे हाइंड ब्रेन भी कहते हैं. देन मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा. मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा मिलके क्या बनती है? ब्रेन स्टेम. ब्रेन की स्टेम की तरह से ये काम करते हैं. ब्रेन स्टेम जो कि ब्रेन को, यानी सेरिब्रम. सेरिब्रम जो है वो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो सेरिब्रम है ब्रेन में. और उसे जो स्पाइनल कॉर्ड से ज्वाइन कर रही है सेरिब्रम और सेरिबेलम को, सेरिबेलम इज हाइंड ब्रेन जो पीछे छोटा सा पार्ट है, उसे जो स्पाइनल कॉर्ड से नीचे ज्वाइन कर रही है दैट इज ब्रेन स्टेम. एंड ब्रेन स्टेम कंप्राइजेज ऑफ मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा. क्लियर? तो ये ब्रेन के पार्ट्स हैं. थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेटाथैलेमस, वो सब नीचे, और लिम्बिक सिस्टम, ये सब छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं ब्रेन के, वो भी आपको आगे स्टडी करने हैं. दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ ब्रेन. नाउ वी विल स्टडी सेरिब्रम. फर्स्ट ऑफ ऑल सेरिब्रम क्या है? सेरिब्रम जो ये ब्रेन का पार्ट है, अगर हम स्टडी करें तो दिस ऑल इज सेरिब्रम. फोर ब्रेन, ये वाला पार्ट जो है पीछे, दैट इज सेरिबेलम और हाइंड ब्रेन. दिस इज मिड ब्रेन. देन पॉन्स एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो कि ज्वाइन कर रहा है, ये ब्रेन स्टेम पूरी बन गई. ब्रेन स्टेम जो ज्वाइन कर रही है सेरिब्रम और सेरिबेलम को स्पाइनल कॉर्ड से. नाउ सेरिब्रम और सेरिबेलम को ब्रेन स्टेम स्पाइनल कॉर्ड से ज्वाइन कर रही है. तो दिस इज द स्ट्रक्चर.
अब हम पढ़ेंगे सेरिब्रम क्या है। सेरिब्रम क्या है? सेरिब्रम जो है ये दो हेमिस्फीयर से बना हुआ है। सेरिब्रम जो होता है दैट इज कंप्राइजेस ऑफ टू हेमिस्फीयर्स। इस तरह से दो हेमिस्फीयर्स रहते हैं, दो अलग अलग हेमिस्फीयर्स हैं जो एक फिशर के थ्रू अलग हुए हुए हैं और बीच में कॉर्पस कैलोजम से जुड़े हुए हैं। ये दो हेमिस्फीयर हैं जो एक फिशर के थ्रू अलग हुए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस दीज टू आर हेमिस्फीयर्स और बीच में वो अलग से सेपरेटेड रहते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और वो आपस में ज्वाइंट हैं। कुछ फाइबर्स होते हैं जो ज्वाइन करके रखा हुआ है, जिनके जो नर्व फाइबर्स हैं उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है दो हेमिस्फीयर्स को। इन दिस वे दो हेमिस्फीयर्स हैं, दोनों अलग अलग हैं, दोनों आपस में जुड़े नहीं हुए बल्कि अलग अलग से हैं। अलग अलग होते हुए बीच में नर्व फाइबर्स इधर से और इधर से दोनों तरफ से आ जा रही हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर टू राइट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर टू लेफ्ट हेमिस्फीयर। वो फाइबर्स जिन्हें हम कॉर्पस कैलोजम कहते हैं उनसे ये दोनों हेमिस्फीयर्स जुड़े हुए हैं, अदरवाइज दे आर सेपरेटेड बाय अ फिशर, वर्टिकल फिशर। तो ये वाला पार्ट जो है दिस इज जो बीच में नर्व फाइबर्स से ये दोनों हेमिस्फीयर्स को जोड़ रहा है, दिस इज कॉल्ड कॉर्पस कैलोजम। The two cerebral cortex, इनको हम cerebral hemispheres कहते हैं। तो ये दो cerebral hemispheres हैं जो corpus callosum से जुड़े हुए हैं। You can see the model of brain in your lab. Now, जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, इसी को ये जो कॉर्टेक्स है इसका जो सर्फेस है वो सर्फेस स्मूथ नहीं है। दैट सर्फेस इज नॉट स्मूथ, दैट इज लाइक दिस, मैनी ग्रूव्स आर देयर, बहुत सारे अंदर ग्रूव्स हैं। ग्रूव्स मीन्स जहां जैसे सल्कस हैं, गड्ढे हैं एंड गायराई। तो ये हेमिस्फीयर्स जो हैं, ये जो है ये जो डिप्रेस्ड एरिया है इसे हम कहते हैं सल्कस, और जो उभरा हुआ एरिया है इतनी नजदीक नहीं है, फॉर एग्जाम्पल दिस, और ये जो उभरा हुआ एरिया है That is gyrus. Gyrus, sulcus depressed area और gyrus उभरा हुआ area जो है। ऐसा क्यों है? इससे जो है surface area increase हो जाता है। Cerebral cortex, cerebrum का surface area increase होता है। Clear? Sulcus क्या है और gyrus क्या है? Actual में जो cerebral cortex है उसका आउटर सरफेस जो है वो सारा ग्रे मैटर से बना हुआ है। ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर में आपको फर्क पता होगा कि ग्रे मैटर क्या है। ग्रे मैटर जहां बंडल ऑफ जहां न्यूरॉन्स पड़े हैं, बंडल्स पड़े हैं, उसे हम ग्रे मैटर कहते हैं, और जो एरिया में नर्व फाइबर्स हैं वो व्हाइट मैटर है। नर्व फाइबर्स आर ऑफ व्हाइट कलर, तो और न्यूरॉन्स जहां पड़े हैं तो आउटर सरफेस में मोस्टली, ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ इंटरनल सरफेस जो है, इंटरनल सरफेस में नर्व फाइबर्स ही हैं और यहाँ न्यूरॉन्स ही हैं, यहाँ पे नर्व फाइबर्स नहीं है, ऐसा नहीं है। नर्व फाइबर्स यहाँ भी हैं और न्यूरॉन्स यहाँ भी हैं, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूरॉन्स आर एट आउटर सरफेस एंड द नंबर ऑफ नर्व फाइबर्स आर मैक्सिमम इन inside the cerebral cortex. So it comprises of gray matter is as it looks like gray matter jo hai
ये ग्रे कलर का फिर ये डार्केंड एरिया हो जाता है जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स का बाहर का सरफेस है, आउटर साइड जो है सरफेस के बाहर नहीं, आई एम सेइंग कि इंटरनल स्ट्रक्चर बता रही हूँ। तो हेमिस्फीयर के जो बाहर की साइड, नॉट आउटर टू द, प्लीज क्लियर इट, नॉट आउटर टू द सरफेस, सरफेस के बाहर नहीं है, इंटरनल स्ट्रक्चर है। इंटरनल स्ट्रक्चर जो है, फर्दर मैं बता रही हूँ कि अंदर की तरफ व्हाइट मैटर और टुवर्ड्स द पेरीफ्री आई कैन से कि पेरीफ्री की तरफ जो है वो ग्रे मैटर रहता है, ग्रे मैटर डार्केंड मैटर रहता है, क्योंकि वो न्यूरोग्लिया एंड न्यूरॉन से कंप्राइज्ड है। और इंटरनल साइड में, सेंट्रल साइड में जो है वो नर्व फाइबर्स रहते हैं, नर्व फाइबर्स आर व्हाइट इन कलर, सो व्हाइट मैटर इज इन साइड। और यही चीज जो है अगर हम देखें स्पाइनल कॉर्ड में तो ओपोजिट होती है, स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर इन साइड होता है और व्हाइट मैटर आउटसाइड होता है। व्हेन वी विल स्टडी अबाउट द व्हाइट स्पाइनल कॉर्ड व्हेन आई विल टेल, तो ये तो हुआ सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बारे में। अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स फर्दर जो है वो चार लोब्स में डिवाइडेड है। एक्चुअली अगर हम देखें तो सेरिब्रम जो है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो नियो कॉर्टेक्स और एलो कॉर्टेक्स आपने सुना होगा ब्रेन पढ़ने के टाइम, लेकिन क्लियर नहीं होगा ये है क्या, ये क्या चीज है, व्हाट इज नियो कॉर्टेक्स, व्हाट इज एलो कॉर्टेक्स। नियो कॉर्टेक्स बेसिकली इज जो नया बना है इवोल्यूशन के टाइम में। आपको मालूम है कि ब्रेन की डेवलपमेंट, हर ऑर्गन की डेवलपमेंट होती चली जाती है, तो जैसे जैसे ऑर्गन की डेवलपमेंट होती है वैसे वैसे उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स बनते चले जाते हैं। कुछ सालों बाद कुछ नए स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं, कुछ सालों बाद कुछ और नए स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं, और कुछ जो है वो खत्म भी होते चले जाते हैं। ये इवोल्यूशन की एक थ्योरी है। क्यों? क्योंकि जिस चीज की रिक्वायरमेंट इंसान को, जैसी ह्यूमंस हो या एनी ऑर्गेनिज्म, जिस चीज की जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसकी डेवलपमेंट उसी के अकॉर्डिंग होती चली जाती है, दिस इज द इवोल्यूशन। और अगर उसकी जरूरत नहीं रहती तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने देखा होगा बहुत पहले एप्स, मंकीज, ये सब जो हमारे, आप देखिए अगर एंसेस्टर्स हैं, एंसेस्टर्स ने जो टेल, पहले टेल रही और उसके बाद जो है धीरे धीरे उसकी टेल की रिक्वायरमेंट जैसे जैसे खत्म हुई तो इवोल्यूशन की थ्योरी के साथ साथ जो है वो खत्म होती चली गई। और इसी तरह से कुछ स्ट्रक्चर्स धीरे धीरे डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। तो नियो कॉर्टेक्स क्या है? ब्रेन का वो पार्ट जो न्यूली डेवलप हुआ है। तो एक्चुअल में एलो कॉर्टेक्स क्या है? जो प्रीवियसली जो डेवलप था। तो सेरिब्रम जो है एक्चुअली सिक्स लेयर्स से कवर्ड रहता है, दिस इज द नियो कॉर्टेक्स, जो नया ब्रेन जो है वो सिक्स लेयर्स से कवर्ड रहता है। कुछ पार्ट अभी भी, मैं आपको बता रही हूँ सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ही कुछ पार्ट अभी भी ऐसे हैं जो पूरी सिक्स लेयर्स से कवर्ड नहीं है, उनमें कुछ लेयर्स कम है। पहले जब जरूरत नहीं थी तो उनमें वो लेयर्स कम रही, तो उसे हम एलो कॉर्टेक्स कहते हैं। एलो कॉर्टेक्स में बेसिकली लिम्बिक सिस्टम कंप्राइज होता है। वो फर्दर जब हम लिम्बिक सिस्टम पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगी कि एलो कॉर्टेक्स क्या है। अभी हम नियो कॉर्टेक्स पढ़ेंगे। बेसिकली सारा जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो नियो कॉर्टेक्स ही है, कुछ पार्ट को छोड़ के। तो नियो कॉर्टेक्स जो है वो सिक्स लेयर्स से कवर्ड है। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा कि जो राइट हैंडेड पर्सन है उनका लेफ्ट हेमिस्फीयर ज्यादा डोमिनेंट होता है, और लेफ्ट हैंडेड जो है उनका राइट हेमिस्फीयर ज्यादा डोमिनेंट होता है। क्लियर? ये बात ठीक है कि एक्चुअली जो राइट हैंडेड पर्सन है उनका लेफ्ट हेमिस्फीयर, ऐसा नहीं है कि उनका राइट हेमिस्फीयर डैमेज है और वो काम नहीं कर रहा, हम आपका राइट हेमिस्फीयर जो है वो काम नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। बट डोमिनेंसी इज अकॉर्डिंग टू द, जैसे कि हम स्पीच, राइटिंग, लर्निंग, ठीक, जैसे मैं
कोई इंसान का लर्निंग है, राइटिंग है या स्पीच फंक्शंस है, वो जो है वो हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर से कंट्रोल किए जाते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर उन्हें कंट्रोल करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि राइट हेमिस्फीयर काम नहीं कर रहा, राइट हेमिस्फीयर भी हमारा काम करेगा। क्या काम करेगा? वो जजमेंट में, डिसीजंस में, डिसीजन मेकिंग, जजमेंट मेकिंग, वो सब हमारा राइट हेमिस्फीयर काम कर रहा है। तो दोनों हेमिस्फीयर्स काम करते हैं, लेकिन डोमिनेंसी की बात की जाए तो अच्छा, दूसरा लेफ्ट हैंडेड पर्सन, अब अगर कोई लेफ्ट हैंडेड पर्सन है तो ऐसा नहीं है कि उसका राइट साइड का पार्ट जो है वो डोमिनेंट है, ये आपने सुना है। लेकिन 75% फिर भी लेफ्ट हैंडेड पर्सन ऐसे हैं जिनका लेफ्ट हेमिस्फीयर ही काम कर रहा है डोमिनेंसी के उसमें देखें तो। ऐसा नहीं, मैं फिर बता रही हूँ कि लेफ्ट एंड राइट दोनों हेमिस्फीयर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन स्पीच, राइटिंग, लर्निंग, इस तरह के फंक्शंस जो हैं वो हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर काम कर रहा है। और लेफ्ट हैंडेड पर्सन में भी फिर भी 75% पर्सन ऐसे हैं जिनमें लेफ्ट हेमिस्फीयर ही काम कर रहा है। क्लियर नो? अब सेरिब्रम जो है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रम का हम एक हेमिस्फीयर लेते हैं, हम एक हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर में सेम उसी तरह से डिविजन होंगी, चार लोब्स होते हैं। Each hemisphere has four lobes. वो four lobes कौन कौन से हैं? कौन कौन से? Frontal lobe. Yes. Parietal lobe. Yes. Occipital lobe. And the last one is temporal, जो कि ears के पास पड़ा है, temporal। तो ये चार lobes हैं। Each hemisphere of cerebrum has four lobes: frontal lobe, parietal lobe, occipital lobe and temporal lobe। तो ये किस तरह से division इनकी होती है? This is the way. सबसे पहले जो है एक सेंट्रल सल्कस, ये वाला पार्ट जो है, यहां जो है तीन सल्कस होंगे जो चार लोब्स में सेरेब्रल हेमिस्फीयर को डिवाइड करें। वो तीन सर्कस कौन से हैं? फर्स्ट इज दिस, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल सर्कस। सेंट्रल सर्कस, सेंट्रल सर्कस क्या कर रहा है? फ्रंटल लोब को, ये फ्रंटल लोब है, पैराइटल लोब से अलग कर रहा है, पैराइटल लोब से अलग कर सेंट्रल सर्कस। ठीक, फिर दिस इज ऑक्सीपिटल लोब, और यहां तक थोड़ा सा इधर पीछे रखेंगे, दिस इज द ऑक्सीपिटल। पैराइटल लोब को ऑक्सीपिटल लोब से अलग कर रहा है कौन सा सल्कस? दिस इज कॉल्ड पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस, पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। नाउ दिस इज द, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, दिस इज अ सल्कस कॉल्ड लेटरल सर्कस, लेटरल सर्कस। और ये कौन सा लोब है? ये किसे अलग कर रहा है? फ्रंटल और पैराइटल दोनों लोब्स को टेम्पोरल लोब से अलग कर रहा है, दिस इज द टेम्पोरल लोब।
ये टेम्पोरल। अब सेंट्रल सल्कस को, सेंट्रल सल्कस का एक दूसरा नाम भी है जिसे हम बोलते हैं, कैन आई इरेज दिस, सेंट्रल सल्कस। सेंट्रल सल्कस इज ऑल्सो कॉल्ड रोलैंडिक फिशर, रोलैंडिक फिशर। इसी तरह से लेटरल सल्कस को हम सिल्वियन फिशर भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिल्वियन फिशर। तो ये तीन सल्कस हैं जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को फोर लोब्स में डिवाइड करते हैं। दीज थ्री सल्काई डिवाइड द सेरिब्रल हेमिस्फीयर इनटू फोर लोब्स। क्लियर नाउ? अब हम इनका फर्दर जो है सेरिब्रल हेमिस्फीयर जब हम अब स्टडी करेंगे तो एक एक लोब का क्या फंक्शन है, क्या फिजियोलॉजी है, फ्रंटल लोब क्या काम करता है, पैराइटल लोब क्या काम करता है, ऑक्सीपिटल लोब क्या है, टेम्पोरल लोब क्या काम करता है। कुछ एक्चुअली फिजियोलॉजी में आपको जो है ब्रॉडमैन्स एरियाज लर्न करने पड़ेंगे। ब्रॉडमैन एक ऐसा फिजियोलॉजिस्ट रहा है जिसने जो है ब्रॉडमैन वर्ड इज जिसने कुछ एरियाज के बारे में बताया, ब्रॉडमैन्स एरियाज, स्क्रीन में एरिया नंबर दिस, इस तरह से फॉर एग्जांपल एरिया नंबर 41, 42, 20, 27, इस तरह से कुछ एरियाज ऐसे बताए कि ये विजुअल एरिया है, ये विजुअल परसेप्शन एरिया है, ये हियरिंग एरिया है, इस तरह से ये वर्निक्स एरिया है। ये एरियाज जब हम लर्न कर लेंगे कि कहाँ पर कौन सा एरिया पड़ा है, कौन सा एरिया नंबर है, तो उसका क्या फंक्शन है, नाम से ही हमें मालूम चल जाएगा कि फ्रंटल लोब में ये वाले एरियाज है, इट मीन्स फ्रंटल लोब का काम ये है, पैराइटल लोब में ये एरियाज है, एरिया नंबर दिस इज, ये एरियाज है, इट मीन्स पैराइटल लोब का ये काम है, टेम्पोरल लोब में ये एरियाज है तो इसका ये काम है, ऑक्सीपिटल लोब में ये एरियाज है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक एक